तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ आप सभी का आप ही के अपने चैनल न्यू टेक इजी में। तो दोस्तों, आज जो सिंपल ही टॉपिक है कि जो मैंने पिछले वाला वीडियो बनाया था वो व्हाट्सएप गोल्ड का, जिसके अंदर आपको फीचर मिल जाएंगे कि आप जो है वो बड़ी से बड़ी फाइल शेयर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए वायरस था और जो है काफी जो है आपको व्हाट्सएप हैक हो सकता था, उससे आपके लिए खतरे की घंटी थी। लेकिन उसी वीडियो में कई लोग उन्हें बार बार पूछ रहे हैं कि यार आप बता दो इसके लिए टिप्स, आप बता दो कैसे भेजें, हमें तो भेजना है, लंबी से लंबी वीडियो भेजनी है, बड़ी से बड़ी एमबी की वीडियो भेजनी है, बड़ी से बड़ी टाइम की वीडियो भेजनी है, मतलब 1 घंटे की वीडियो भेजनी है, 2 घंटे की वीडियो भेजनी है, कैसे भेजें। दूसरा कमेंट, यार 5 लोग ही सिलेक्ट हो रहे हैं उसके अंदर, हमें तो बहुत ज्यादा सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए पिछला वीडियो जो है जस्ट आ ही चुका था, इसके लिए ये वाला जो है वीडियो है कि आप कैसे बड़ी से बड़ी लंबी से लंबी फाइल को अपने व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। मेरा मतलब है कि 1 घंटे का वीडियो हुआ, 2 घंटे का वीडियो हुआ, 1 GB की फाइल हुई, 2 GB की फाइल हुई, 10 MB की हुई, 20 MB की, व्हाट्सएप में आसानी से भेज सकते हो बिना विदाउट एनी एप्लीकेशन, विदाउट एनी सॉफ्टवेयर, सिर्फ और सिर्फ आपके व्हाट्सएप की जरूरत पड़ेगी। ना आपको किसी लिंक पर जाना है, ना किसी वेबसाइट पर जाना है, बस करना क्या होगा, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना और समझ कर चलना है, थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो को समझ कर देखना, थोड़ा सा आपको जो है बहुत इजीली मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको समझकर चलना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल न्यू टेक इजी को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करते ही पास में जो बेल आइकन था उसको प्रेस कर दीजिए, उसके बाद में यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और आप हमें प्यारी प्यारी बातें कमेंट्स में लिख ही सकते हैं। तो चलिए लेट्स अस स्टार्ट नाउ। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, अपने व्हाट्सएप को सिंपली ओपन कर लेना है, और व्हाट्सएप का देखिए इस तरह का कुछ इंटरफेस आता है, आप सभी जानते हैं। उसके बाद में आपको ऊपर दिख रहे हैं 3 डॉट्स, सॉरी ये फोन आ गया, मैं इसको कट कर देता हूँ। तो आपको ऊपर दिख रहे हैं 3 डॉट्स, आपको 3 डॉट्स पर क्लिक नहीं करना है। सिंपली आपको जिस कॉन्टेक्ट को भेजना है उस कॉन्टेक्ट को क्लिक कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर जो अमित लिखा हुआ रहा है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और इसको मुझे कोई मूवी भेजनी है, मान लीजिए मुझे एक मूवी भेजनी है। तो आपको करना क्या होगा, सिंपली नीचे जो दिख रहा है आप सिंपली फोटोज वीडियो भेजते हो उस पर क्लिक कर लेना है, उसके बाद में गैलरी सिलेक्ट कर लेनी है। अब आप कहोगे यार कि ये तो इससे तो इतनी लंबी हमारी तो जाती ही नहीं, अभी जाएगी, देखिए पूरा लास्ट तक देखे जाएगा, बीच के में छोड़कर नहीं जाना है। इसमें कुछ ट्रिक्स अप्लाई करेंगे हम, वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपके लिए आपको गैलरी पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, मान लीजिए आपको 2 घंटे की कोई मूवी भेजनी है, तो 2 घंटे की मूवी के साथ आपको क्या करना है, 2 MB का, सॉरी 2 मिनट का या 1 मिनट का कोई भी वीडियो एक और उस फोल्डर में डाल देना, मतलब एक नया फोल्डर बनाना है। मान लीजिए मूवीज नाम से आपने एक नया फोल्डर बनाया, उसमें वो मूवी डाल दीजिए जो आप अपने दोस्त को भेजना चाहते हैं, या फिर वो वीडियो दीजिए, वो फाइल डाल दीजिए। उसी के साथ आपको एक 2 मिनट का वीडियो और डाल देना है, जिसकी साइज मतलब 2 MB की हो या 2-3 MB की हो, 1-2 मिनट का ही वो वीडियो हो, वो दोनों आपको डाल देना है। अब सिंपली मान लीजिए मैंने डाला हुआ है और मैंने एक फोल्डर बनाया था जिसका नाम था व्हाट्सएप वीडियो पर सिंपली आपको क्लिक करना है, ये वाला नहीं है, वो दूसरा वाला है। और यहाँ पर देखिए मैं देख लेता हूँ उस फोल्डर को, सिंपली जो है सर्च कर लेता हूँ, और वो फोल्डर लिखा हुआ आ रहा है नीचे ड्रैग करके, यहाँ पर देखिए आपको नीचे लिख रहा हुआ व्हाट्सएप वीडियो, जिसमें 2 वीडियो है, मैं सिंपली इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद आपको 2 वीडियो दिख रहा है, ऊपर वाला तो जो दिसंबर का है, नीचे वाला नवंबर का है, लेकिन जो आपको फाइल भेजनी है वो क्या करनी है, आपको जो है सेकंड नंबर पर सिलेक्ट करनी है, मतलब 2 मिनट वाला वीडियो पहले सिलेक्ट करना है। सिंपली देखिए 2 मिनट वाला नीचे वाला है नवंबर वाला, उसको पहले सिलेक्ट करना है, और जो मूवी है वो सेकंड नंबर पर सिलेक्ट कर देनी है। अब इससे होगा क्या मैं बता देता हूँ, जो आपकी फाइल कटकर जाती है वो सिर्फ पहले वाले फाइल जाती है, दूसरी फाइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, मैंने बिल्कुल ट्राई करके देखे, देखिए कोई फेकोलॉजी नहीं है, आप ट्राई करके देखिए बिल्कुल 100% सत्य है। और सिंपली ओके पर प्रेस कर देना, ओके पर प्रेस करने के बाद में क्या होगा आपके साथ, और यहाँ पर जो है ओके पर प्रेस कर दीजिए, उसके बाद में इस तरह से आपको पूछेगा कि ये वाला वीडियो पूरा जा रहा है, लेकिन सेकंड वाले वीडियो को देखिए नीचे काटने के लिए बिल्कुल नहीं भेज रहा है, यदि आप पे सिलेक्ट करते हो देखिए मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये काटने के लिए बोलेगा, हमें सिलेक्ट नहीं करना, चुपचाप इसको चलने देना है। और यहाँ पर जो है आगे भेजने वाला जो चिन्ह आता है, एरो का चिन्ह इस तरह का, आप सभी जानते हैं, उस पर क्लिक कर देना है। तो पहले वाले में तो यदि आपका 1.4 MB मतलब थोड़ा ज्यादा होगा तो उसमें तो कटिंग मांगेगा, लेकिन सेकंड वाले में आपको से कुछ नहीं मांगेगा, तो सिंपली स्टार्ट जाने लग जाएगी सिंपली मूवी। यहाँ पर जो एरो वाला है इस पर आपको सिंपली जो है क्लिक कर देना है, यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ इस पर, तो ये देखिए सबसे पहले देखिए ये ऊपर तो वाला तो चला गया, और ये मूवी पूरी आ रही है, देखिए आपको यकीन नहीं आता, इसमें सिंपली प्ले पर क्लिक कर लेता हूँ, और उसके बाद 2 घंटे 25 मिनट की मूवी पूरी आ रही है। देखिए यहाँ पर उतने ही मिनट की शो होती है जितने मिनट की हम भेजते हैं, तो ये देखिए पूरी शो हो रही है 2 घंटे 25 मिनट की शो, 2 घंटे 25 मिनट 47 सेकंड की। तो इस तरह से आप अपनी मूवी पूरी भेज सकते हैं, देखिए मूवी जो है अभी पूरी जा रही है, पूरी इसको जाने में हालांकि टाइम लगेगा, आपकी एमबी तो जाएगी, वो तो उसका कोई इलाज नहीं होता, तो आप सिंपली इसको भेज सकते हैं। और इसको मैं अभी कट कर देता हूँ,
मुझे नहीं भेजनी यार, बहुत ज्यादा अभी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत ज्यादा इसमें टाइम भी लगेगा। तो ये थी एक छोटी टिप्स, आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना, समझ में आए तो एक बार फिर से देख लीजिए, फिर भी समझ आया नीचे कमेंट कीजिए क्या क्वेश्चन है आपके दिमाग में, मैं आपको जरूर बताऊंगा। यदि आपका क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही टिपिकल हुआ, थोड़ा सा हार्ड हुआ, तो मैं इसके ऊपर वीडियो भी लेकर आऊंगा। तो दोस्तों मैं शंकर आपसे फिर मुलाकात होऊंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।